देखो तीन खेती कानून ने, मैं थोनों तीन लाइन च ही दस दिना। किसी के घर के अगे एक ट्राली खड़ा देना जिहड़ी कि कूड़े के ढेर नाल भरी हुई है। वो कहिंदा भी इह गंद है, मैनू मुश्क आउंदा है, मैं नहीं इह खड़न देनी। असीं कहा भी ना खड़न दे, कोई गल नहीं, तू ऐ कर खाली कर ला। वो कहिंदा मैं खाली करके खाली खड़ा देना। जे वह खाली खड़ा दूगा तो उहदे विच दुबारे चांस है भी वह कूड़ा दुबारे सिट सकदा। अमेंडमेंट्स नाल इहदा कोई हल होगा, इस करके अमेंडमेंट्स दा तो असीं बिल्कुल विरोध करदे हां। किसान लोग हैं, सानू पता है साडे फायदे या नुकसान च की चीज़ है, ये गौरमेंट नहीं दसूगी। तोमर साहब नूं नहीं पता इस चीज़ का। करोना का बहाना ला के गौरमेंट एजुकेशन खत्म करना चाहती है। 2 मई तो बाद तुहानूं चंगे नतीजे देखने को मिलेंगे, जो 5 राज्यां दीआं चोणां ने जिहड़ियां बीजेपी हारूगी। किसानी संघर्ष की गल करिए एक लंबे समय तो जोड़े किसान ने उस सरहदों के उपर दिल्ली दिया हदा से डटे हुए ने। आपने जोड़े 3 काले खेती कानून उन्होंने रद्द करवाने के लिए जिते किसान दिल्ली दिया हदा से डटे ने, उत्थे चंडीगढ़ मोहाल सड़कों पर भी बहुत सारे लोग डटे ने, जिते आकर डेली इन्होंने किसानों सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अज मैं थोड़ी मुलाकात करवा जा रही हूँ किसानी नेता के नाल, जो कि इस टाइम से इतने मौजूद ने। इतने आके लोगों के इन्होंने 3 काले खेती कानूनों लैके गलबात की कि आखिर ये 3 काले खेती कानूनों का की नुकसान है, क्यों जिहड़े किसान ने वो इन्हां काले खेती कानूनों रद्द करवाना चाहते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। की नाम है तुहाडा? निर्मल सिंह रियोना जी। ओके निर्मल सिंह जी, जिवें कि मैं जानिया तुहाडे बारे हुणे कि तुसीं अलग अलग जगह पर जाके जिहड़े मोर्चे आ, जो प्रोटेस्ट आ, उन्हां दा साथ दे रहे हो, नाल दे नाल ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो, लोगों को समझा भी रहे हो 3 काले खेती कानूनों नूं लैके। सो सब तो पहला तो मैं उही चीज़ जानना चाहवांगी कि जिहड़े 3 काले खेती कानून आ, इन्हां दे की नुकसान ने। देखो जी, पहली गल तो मैं तुहानू भी सारिआं नू जनता नू ये रिक्वेस्ट करदा हां भी इन्हां नू वड्डे पद्धर ते पढ़िया जावे, जाणिया जावे। देखो 3 खेती कानून ने, मैं थोनू 3 लाइनां च ही दस दिंदा कि जेकर पहला कानून है जिहड़ा वो प्राइवेट मंडियां नाल संबंधित है, जेकर प्राइवेट मंडियां ने जिहड़ियां उन्हां दा मतलब ऑर्डर दे दिंदी है गौरमेंट, तो गौरमेंट मंडियां खत्म हो जाणगीआं। गौरमेंट मंडियां खत्म हुंदे ही समाज दे विच अजिही अफरा तफरी मच जूगी जिथे किसान नू रेट नहीं मिलना, तो जिहड़ा उहनू उपभोगता है जिहड़ा वह कंज्यूमर है जिहड़ा उहनू महंगे भा जिहड़ियां खाद पदार्थां मिलणगीआं। पहले कानून दे नुकसान होणगे। दूजा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। वड्डे पद्धर से जदों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बहुत सारे लोग है जिहड़े अनइंप्लॉय हो जाएंगे। अज वो अपने खेतों के राजे ने, 70% जनता, 60% जनता उन्हां खेतों लगी हुई है, तो जदों वेली होगी तो करूगी की, क्योंकि वड्डे फार्म के इन्ने लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो वह भी एक अफरा तफरी वाला माहौल है जिहड़ा बजूगा तो पैदा होगा। तो उस तो बाद जो तीजा कानून है वो असल अमेंडमेंट कानून है, एक जिहड़ा 1955 का नहरू साहब वालों किया गया कानून है, वो अमेंडमेंट की है भी जिहड़े जिहड़े जरूरी वस्तां एक्ट है वो सुधार करके कहता भी किसी भी जिन्ना मर्जी भंडारण करने की समर्था है। तो सब तो खतरनाक जिहड़ी ये चीज़ ये है भी दुनिया च वर्ल्ड का इको एक कानून मोदी साहब ने बनाया, जिस कानून के झगड़े की सूरत दे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ SDM या तुसी DC तक है। सानू पता SDM ते DC हमेशा पॉलिटिक्स के अंडर होंगे ने, तो यह किमें असी समझ सकते हैं भी जदों साडा जे साडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुंदी है, साडी जमीन नू ठेके ते लैण वाले नाल साडा झगड़ा हो जाता है, तो वह प्रभावी इंसान होगा जिहड़ा 2000 एकड़ का फार्म लऊगा, तो असी किमें यकीन कर सकते हैं भी साडा SDM ते DC साडी सुनूगा? नहीं सुनी जानी। सिविल कोर्ट जाण दा साडे कोल अधिकार नहीं। डिक्टेटरशिप कंट्रियां दे विच भी कदे भी, चाहे उत्थे शरीयत का कानून लागू है, चाहे कोई संविधान लागू है, कदे भी यह नहीं हुंदा भी तुसी झगड़े की सूरत सिविल कोर्ट ना जा सको। ये बहुत जिहड़ी आ खतरनाक जिहड़ी आ धाराएं इहदे च पाईआं गईआं ने, इसे करके जे अगेंस्ट है जिहड़े वो असी लड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तो किसान डटे हुए ने, पहला पंजाब दे विच प्रोटेस्ट शुरू होया, फिर दिल्ली तक गया, बहुत सारे होर भी स्टेट्स ने जिहड़े किसान से नौजवान से उन्होंने आके पूरा पूरा साथ दिता, काफ़ी मीटिंग्स हुई, बार बार ये चीज़ आई कि जी ने उन्होंने सोध कर दी जाएगी, कुछ अमेंडमेंट्स कर दी जा। देखो एक मैं तुहानूं गल दसदा अमेंडमेंट का मीनिंग की है। मैं किसी के घर के अगे एक ट्राली खड़ा देना जिहड़ी कि कूड़े के ढेर नाल भरी हुई है। वो कहिंदा भी इह च गंद है, मैनू मुश्क आउंदा है, मैं नहीं इह खड़न देनी। असीं कहा भी ना खड़न दे, कोई गल नहीं, तू ऐ कर खाली कर ला। वो कहिंदा मैं खाली करके खाली खड़ा देना। जे वह खाली खड़ा दूगा तो उहदे विच दुबारे चांस है भी वह कूड़ा दुबारे सिट सकदा है।
इस करके अमेंडमेंट्स से असी नहीं टिकना। अमेंडमेंट्स का मतलब है दोबारे अमेंड करके उन्हें किसी भी वेले प्रोसेस खत्म होने तो बाद वही लागू दोबारे कर सकते हैं। सो असी रवील मंगते हैं, रवील टोटल इनू खत्म करना। अज सिंघू बॉर्डर से 70 से 80 हज़ार ट्राली है, तो 1.5 लाख के करीब उत्थे सिंघू बॉर्डर से बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर से अलग है, तो गाजीपुर बॉर्डर से अलग लोग ने, लोगों ने अपने तौर पर उत्थे जाते हैं। तो मैनू नहीं लगता भी अमेंडमेंट्स नाल इहदा कोई हल होगा, इस करके अमेंडमेंट्स का तो असं बिल्कुल विरोध करते हैं। बार बार तोमर साहब दे वल्लों यह चीज़ कही गई कि कानून बड़े वधिया ने, कानूनों के फायदे ही बहुत आ, बार बार वो चीज़ गिनाने च लगे ने कि कानून बहुत वधिया ने। देखो वधिया की गल यह है, मैं भाई साहब नूं शहर दे विच जॉब करते हैं, इन्हों कह भी मझां दे फायदे बहुत ने, मझां दे बहुत फायदे ने, उन्हों का गोहा कम आउंदा है, उन्हां द्वारा दुध दिया जाता, दुध सप्लाई होंदी, उतों पनीर बनता, ये बनता है, मैं इन्हां नूं कह सकदा। पर ये कहणगे मैनू की फायदा है, जिहड़ी चीज़ की इन्हां नूं जरूरत नहीं, मैं धक्के तो इन्हां नूं किवें दे सकदा। असीं किसान लोग हैं, सानू पता है साडे फायदे या नुकसान च की चीज़ है, ये गौरमेंट नहीं दसूगी, तोमर साहब नूं नहीं पता इस चीज़ का। जिहड़ी चीज़ सानू मंजूर नहीं, साडा फायदा सानू मंजूर नहीं, साडा नुकसान सानू मंजूर नहीं, जिहड़ी चीज़ सानू मंजूर नहीं तां अस गौरमेंट क्यों थोपना चाहुंदी है। सानू नाल लवे, गौरमेंट बैठे इन्हां बिलां ते दुबारे चर्चा करे, असीं बिलां नूं दुबारे बनाउण लई तैयार है, पहलां इह बिना बिलां नूं रद्द करे, वो साडे फायदे च नहीं, इस करके असीं नहीं लैणे। काफ़ी लंबे समय तो किसान डटे ने, पर उत्थे ही उन्हां करोना दा बहुत रौला पैणा शुरू हो गया कि करोना के केसिस वध रहे ने, जिथे काफ़ी जगह पर नाइट करफ्यू लगा दिता गया, चंडीगढ़ के भी कल का नाइट करफ्यू लगा दिता गया। इस चीज़ को किवें देख रहे हो, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है देश के, पर फिर भी जिहड़ा आ इह चीज़ आ रही कि नहीं करोना के केसिस वध रहे ने। देखो तुम मीडिया वाले सर्च करो भी करोना लगन तो पहला डेली मौतें कितनी होंदिया सी ते हुण कितनी होंदिया ने, तुम पाओगे भी करोना तो पहला मौतें ज़्यादा होंदिया सी हुण घट होंदिया ने। नैचुरल जो डैथ होनी है, जो हार्ट अटैक नाल होनी है, जो बुखार नाल, दमे नाल, या जिहड़ियां बीमारियां नाल होनी है, वो तो होंदिया ही ने। मैनू नहीं लगता भी करोना उस पद्धर से कोई खतरनाक चीज़ है, एक वायरल है सिंपल जिहदे नाल जीना पौगा। पुराने वायरस नाल, जुकाम नाल, खंघ नाल, बुखार नाल, टीबी नाल असीं लड़दे आए हैं, करोना नाल भी लड़ांगे। करोना का बहाना ला के गौरमेंट एजुकेशन खत्म करना चाहती है, करोना का बहाना ला के गौरमेंट एजुकेशन खत्म करना चाहती है, जिहड़ा सानू मंजूर नहीं। असीं 70 हज़ार बंदे बैठे आपस मिलते वरतते हैं, कोई मास्क नहीं लाते, कोई कुछ नहीं लाते, करोना उत्ते तो असर करता नहीं, तो करोना इतनी क्यों असर करता है। सो मैनू लगता भी करोना कितने ना कितने कॉन्सपिरेसी है या बेईमानी है जिहड़ी सरकार की, जो एजुकेशन तोड़न लिए वरत रही है। कितने कितने इदा के हालात बन रहे हैं देश के, दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, जो दोबारा लॉकडाउन लग जाता है देश के, किवें फार्म ऑफ प्रोटेस्ट देखते हो फिर? नहीं नहीं, ये जिहड़ा माहौल पैदा किया जा रहा, सनसनी पैदा की जा रही है, ये सिर्फ तो सिर्फ एजुकेशन सामने रख के सनसनी पैदा कर की जा रही है। जिहड़ा नैशनल मीडिया उन्होंने टोटल वरत के या अपने असासियां नूं वरत के गौरमेंट डरावा पैदा करनी चाहते हैं भी बहुत सारिया मौतें हो रही ने, बहुत सारा करोना फैल रहा। तुसी अपने आले दुआले या कितें भी जाके देखो, कोई अजिही मौत नज़र नहीं आती जिहड़ी नैचुरल काज दे नाल ना हुई होवे, वह नॉर्मल पहला भी बहुत होंगी सी। मैनू नहीं लगता भी ये प्रोटेस्ट के असी किसी भी करोना तो या करोना के डर तो या गौरमेंट के डर तो, असी गौरमेंट के रूलिंग के पाबंद नहीं जो तक साढ़े कानून लागू नहीं होंगे या खत्म नहीं होंगे, तो MSP गरंटी बिल है जो लागू नहीं होंगे, मैनू नहीं लगता करोना तो असी डर के अंदर बढ़ा। सो की लगता है कि रीज़न आ कि जिस रीज़न के करके अजे तक सरकार ने वो नहीं सुन रही, टैस्ट तो मास नहीं हो रही? 1947 तो बाद पहला कानून है जो रिवील होना, ये पक्का भी ये कानून ने रिवील होना। इतिहास के कोई वड्डी घटना हो, इतिहासक पल ने, हिस्ट्री है जिहड़ी लिखी जानी है, जिन्हों भविख के अपन किताबों के देखोगे। एड्डी वड्डी हिस्ट्री लिखे जाने 4 महीने बहुते नहीं होंगे, मैनू तो लगता है यह साल का भी चल सकता, 1.5 साल का भी चल सकता है। 2 मई तो बाद चंगे नतीजे देखने मिलने जो 5 राज्यों दी चोणां ने जिहड़ियां बीजेपी हारूगी।